दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 6.2, थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2. द फिगर इज गिवेन ऑन योर ब्लैक बोर्ड एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी पैरेलल टू सी डी. इट इज गिवेन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी. ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल डी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री. इट इज गिवेन गिवेन एंड वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट एंगल ए जी ई. एंगल ए जी ई दिस क्वेश्चन फर्स्ट पे योर अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड. द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट ए जी ई. ए जी ई दिस एंगल क्लियरली ए बी पैरेलल टू सी डी. सो दिस एंगल ए जी ई इज जस्ट इक्वल टू एंगल जी ई डी ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी सो एंगल ए जी ई बराबर एंगल जी ई डी ये ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. बिकॉज ए बी एंड सी डी बोथ आर पैरेलल सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज गिवन जीईडी इज इक्वल टू 126 डिग्री. दिस इंप्लाइज एंगल ए जीई इज इक्वल टू 126 डिग्री. सो एंगल ए जी ई इज 126 डिग्री. नेक्स्ट सेकेंड एंगल जी एफ ई. जी एफ ई इट इज क्लियर दैट जी एफ ई इन दिस ट्राइंगल ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी. चूंकि एफ ई परपेंडिकुलर टू सी डी दिस इंप्लाइज एंगल एफ ई डी बराबर एंगल जी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्योंकि यह लंब है परपेंडिकुलर है सी डी पर सो इफ दिस मेक्स 90 डिग्री देन दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री बिकॉज बोथ आर दिस ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी. एंड द थर्ड इज एंगल एफ जी ई. एंगल एफ जी ई फर्स्ट एफ जी ई एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू एफ जी ई. दिस इज एफ जी ई. सो इफ यू फाइंड आउट दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑलरेडी फॉर्म देन इफ दिस टू एंगल्स वी हैव फॉर्म देन दिस जी इज क्लियरली लाइक दिस एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री. दिस इज 36 डिग्री. सो दिस एंगल इज 36 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री. सो नाउ
इन ट्रायंगल जी एफ ई एंगल जी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. सो एंगल जी एंगल एफ एंड एंगल ई. दिस इज एंगल जी प्लस एंगल एफ मीन्स 90 डिग्री प्लस एंगल ई मीन्स 36 डिग्री. दिस इज 180 डिग्री. सो एंगल जी प्लस 6 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इंप्लाइज एंगल एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126. दिस इज 54 डिग्री आंसर. दिस इज ऑल्सो द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज फॉर सेकेंड क्वेश्चन एंड दिस इज फॉर थर्ड क्वेश्चन. जस्ट वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन नंबर 3. हेलो स्टूडेंट, आज मैं एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि इसके पहले 6.1 के जितने भी प्रश्न थे हम आपको बता चुके हैं. अब 6.2 का जो पहला क्वेश्चन है वह हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, और इसके पहले इस फिगर को भी हम अच्छी तरह से बता चुके हैं कि पहले लाइन को अगर कोई तीसरी रेखा काटती है तो वह ट्रांसवर्सल कही जाती है, और ट्रांसवर्सल के कुछ खास प्रॉपर्टीज थे उनके विषय में भी मैं समझा चुका हूं. नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इन दिस फिगर प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. दिस इज ड्यू टू लीनियर पेयर. दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 50, दैट इज 130. जस्ट वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड अगेन y is equal to 130 degrees. This is only due to vertically opposing angle. These two angles y and 130 degrees, these are called vertically opposing angle, and y is equal to 130 degrees. Now we have to prove AB parallel to CD. यह एबीसीडी के समानांतर है. इसके लिए सबसे पहले हम इसके पहले बताए थे कि कोई थर्ड लाइन अगर दो लाइन को काटती है तो जरूरी नहीं है कि वह दोनों लाइन पैरेलल हो. दोनों पैरेलल होने का मतलब यह हुआ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर आ गया, दिस टू लाइन्स एबी एंड सीडी विल बी पैरेलल. So now x is equal to y and we know x and y are alternate इंटीरियर एंगल. एक्स एंड वाई आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल
4 AB parallel to CD proper. This is the solution of this question. X and Y are equal, both are 130 degree, and according to this figure, these two angles X and Y are alternate interior angle, and we know that two lines will cut by a third line, and if the alternate interior angles are equal, then both the lines are parallel, and if the alternate interior angles, corresponding angles are not equal, then these two lines are not parallel. Do you understand?